स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं पैरामेडिकल के 2021 के। वीडियो में कंप्लीट डिटेल से हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 19 को, लाइक 19 जुलाई को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लास्ट डेट है इसकी 7 अगस्त। 7 अगस्त तक आप लोग जो है मिडनाइट तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस है हज़ार रुपये। इसकी एप्लीकेशन की फीस लगेगी जो आपको यहाँ पर क्रेडिट से, डेबिट से, नेट बैंकिंग से करनी पड़ेगी। कंप्लीट डिटेल हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम बात करें J&K के बारे में। यहाँ पर जो है पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। पहले तो इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया था लाइक कि हर साल जो की तरह ये लोग जो है लाइक एडमिशन नहीं लेंगे, एंड इस बार जो है ये एडमिशन लेने वाले नीट के मार्क्स के बेसिस पर। देन यहाँ पर जो है इन्होंने अपना जो है डिसीजन अभी रिसेंटली चेंज कर दिया है, एंड इन्होंने बोला है कि हम जो है ट्वेल्थ के नोट नीट के बेसिस पर नहीं लेने वाले हैं। हम जैसे कि हमारा डेली यहाँ पर, या फिर मैं बोलूँ कि हर साल जो है शेड्यूल जो रहता है वही शेड्यूल को हम लोग फॉलो करेंगे, एंड हमारा जो अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है हर साल जैसे कंडक्ट होता है, वैसे ही हम जो है PSC नर्सिंग में एंड अलोंग विद दैट पैरामेडिकल में एडमिशन लेने वाले हैं इस बार। तो काफ़ी टाइम पहले जो इन्होंने लाइक नोटिफिकेशन रिलीज किया था, तो एवरीवन इज लाइक थिंकिंग कि हर इस बार जो है J&K के लिए अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। बट अभी है, अगर आप लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एंड जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट डिटेल से अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुकी हूँ 2-3 दिन पहले, आप लोग वो वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बट इस वीडियो में हम BSc पैरामेडिकल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट की डेट अभी तक अप्लाई जो है यहाँ पर इन्होंने लाइक जो है डिक्लेयर नहीं की है। जैसे ही एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो डिक्लेयर की जाएगी, मैं आप सभी को नोटिफाई कर दूंगी। कैंडिडेट्स को ये बोला जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड जो रहेगा वो यहाँ पर जो है द बोर्ड शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ ऑमिशन और कमीशन इन फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ करते तो आपकी ही दिक्कत है, वो इनकी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड 19 जुलाई से 7 अगस्त तक आपको करना होगा। 1000 रुपये पेमेंट करनी होगी, एंड आपको जो है यहाँ पर डेस्क पेमेंट करनी होगी। अगर हम बात करें नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट आप कैसे भी कर सकते हैं। प्रोसेसर क्या है वो आपको ई ब्राउजर में पता लग जाएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी ओरिजिनल जो भी चीज़ें हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी PDF फॉर्मेट में वो आपको अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए UT का या फिर J&K का, जम्मू कश्मीर का, यूटी ऑफ लद्दाख है वो भी यहाँ पर डोमिसाइल ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ट्वेल्थ के, यहाँ पर ट्वेल्थ क्लास के क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एंड यहाँ पर जरूरत होने वाले रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर कोई सर्टिफिकेट है रिजर्व कैटेगरी से हैं आप तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो भी आपको अपलोड करनी होगी। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड सभी अपनी डिटेल्स फिल करनी होंगी। देन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। लॉगिन होगा आपके यूज़र ID एंड पासवर्ड के साथ, ठीक है। ये हमने बात कर लिया। तो हम जो है बात करने वाले एलिजिबिलिटी के लिए BSc पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए आपको जो है डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि डोमिसाइल होना चाहिए J&K का, एंड UT ऑफ लद्दाख होगा तो भी यहाँ पर जो है डोमिसाइल की तरह ही वो लोग जो इसे कंसीडर करते हैं। 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए, एंड मिनिमम 12th पास होनी चाहिए आप इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, एंड 50% मार्क्स होने चाहिए ओपन कैटेगरी में, 40% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एंड यहाँ पर जो है सिक्किम में अगर आप लेना चाहेंगे तो क्या एलिजिबिलिटी है, सेम आपके पास जो है सबसे पहले डोमिसाइल, 12th पास होनी चाहिए 50%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, एंड यहाँ पर
जो कि अभी 12th में जो है कैंडिडेट्स वो भी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे अच्छा क्या ही होगा। ठीक है, अभी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं एक बार फिर से आपको नोटिफाई कर दूंगी। सिलेबस के बारे में बात करें, यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ पर जो आप मुझसे पूछा जाएगा वो रहेगा लाइक 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 11th 12th जो है पूछी जाएगी। बाकी ब्राउजर आएगा अभी आपको मैं बताऊंगी, कंप्लीट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके चलूंगी। वार्निंग क्या है कि अगर आप जो है रॉन्ग डिटेल्स पे फिल करते हैं, आप अगर यूनिवर्सिटी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं ये लोग, तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, 12th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट की आपको जो है रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो कैंडिडेट्स आप लोग देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, JKBOP की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। एंड अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि लिंक एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, नोट लिंक नहीं एक्टिवेट हो चुका है, जो कि नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो पैरा BSc नर्सिंग के लिए, अलॉन्ग विद डैट यहाँ पर जो है अदर, यहाँ पर ये तो पोस्ट बेसिक के लिए यहाँ पर बता रखा है, तो हमें बिल्कुल नीचे चले जाना है। एंड आपको जो है नोटिफिकेशन मैं दिखा पाऊंगी, तो एडमिशन नोटिस आप लोग देख सकते हैं, फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 BSc नर्सिंग के लिए, BSc पैरामेडिकल के लिए, टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए, सबसे पहले आपको यही नोटिफिकेशन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमने नोटिफिकेशन देख लिया, तो आप लोग इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट मैं डाउनलोड नहीं करूँगी बिकॉज मैंने आपको अभी जो है डाउनलोड करके दिखाया। तो आप ब्राउज़र के बारे में बात कर लेते हैं, ब्राउज़र के में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलने वाली है। तो ये ब्राउज़र पे चले जाना है आपको, एंड यहाँ पर जो है आपको जो है जब ये लोग ब्राउज़र अपलोड कर देंगे तो आपको अवेलेबल होगा है यहाँ पर BSc नर्सिंग। अभी आपको BSc नर्सिंग अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज अभी तो किन्होंने ई ब्राउज़र अपलोड नहीं किया। तो चलो आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए बताती हूँ। लेट सपोज मैं आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज क्लास 12th के लिए जो है आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, देन हमें ये सेलेक्ट करना होगा, देन अगर हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र जो है अब यहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाएगा, बट हम यहाँ पर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही थी। तो आप लोग कर भी सकते हैं, तो आप लोग अभी देख पाएंगे कि ब्राउज़र जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लिंक अवेलेबल हो गया, यहाँ से जाकर मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। तो ये कंप्लीट ऐसे आप ब्राउज़र डाउनलोड कर पाएंगे, अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप सभी को नोटिफाई करूँगी। तो कहाँ पर लिंक एक्टिवेट होगा वो मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले JKBOP.government.in ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, यहीं पर होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो लाइक जो है इसमें आने के बाद आपको नीचे चले जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट लिंक अवेलेबल हो रहेंगे, लाइक पैरामेडिकल कोर्स क्लास 12th, CET इंजीनियरिंग, BEd कश्मीर, BEd जम्मू, एंड ऐसे ही नीट UG, ठीक है, आयुष, ऐसे ही आपको जो है यहाँ पर जो है BSc नर्सिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्ट बेसिक के लिए लिंक अवेलेबल है, ऐसे BSc नर्सिंग आएगा और उसके नीचे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, ऐसे आएगा एंड उस पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जो है जो आप लोग जो है आपको लिंक मिल एक्टिव मिल जाएगा, अभी यहाँ पर जो है नहीं मिलेगा आपको बिकॉज पोस्ट बेसिक के लिए तो ऑलमोस्ट जो है लाइक लास्ट डेट जा चुकी है। तो यहाँ पर हम पोस्ट बेसिक के लिए नहीं डिस्कस करें, बट मैं आपको लोकेशन दिखा रही थी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।